हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और मैं करने वाली हूँ घर के काम सारे अब, क्योंकि मैंने नहा लिया है। अद्विक माही उठ गया है, उसके पापा चले गए हैं ड्यूटी, और अद्विक माही को मैंने दूध भी दे दिया है। उनका तो सारा खाना पीना हो गया है, तो अभी वो बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। और बस अभी मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ आपसे, बाद में सारे काम करने लग जाऊंगी तो आपसे बात नहीं करना होगा, इसी वजह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। काम करने से पहले अभी लगी है मुझे भूख, तो मैं जा रही हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए पीनट बटर और ब्रेड। तो सबसे पहले कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ आपसे, क्योंकि कुछ पेट में नहीं होता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है और उससे फिर काम भी नहीं होता है, तो इसीलिए पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सारे काम कर लूँगी। तो ये जो ब्रेकफास्ट है मेरा, वो थोड़ा सा लेज़ी ब्रेकफास्ट है, क्योंकि ना कभी कभी मेरा मन नहीं करता है कुछ बनाने का, तो मैं यही खा लेती हूँ, पीनट बटर और ब्रेड। और कभी कभी बहुत से काम पड़े रहता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो यार ब्रेकफास्ट में टाइम चला जाएगा, उतना तो उतने टाइम में तो काम हो जाएंगे मेरे, तो इसीलिए फिर तब तक फिर पीनट बटर और ब्रेड खा लेती हूँ मैं। तो कभी कभी यही ब्रेकफास्ट होता है, कभी कभी अलग होता है। आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो भी आगे करूँगी वो। और यहाँ पर फिर हॉल क्लीन करने के लिए आ गई थी। वैसे तो मेरा हॉल क्लीन ही रहता है, आप लोगों को तो सभी को पता है, मतलब मैं हमेशा हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, सोफ़ा कवर वगैरह ये तो सेट करती रहती हूँ, और रात को भी करके रखती हूँ मैं, तो सुबह इतना गंदा नहीं होता है। बट कभी कभी बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर, कभी कभी पिलोज वगैरह निकाल देते हैं, तो वो क्या करती हूँ फिर अच्छे से ठीक कर लेती हूँ और ये सारी चीज़ें। तो अभी जब से ये वैक्यूम क्लीनर आया है तब से तो फिर और भी काम इजी हो गए हैं, मतलब सोफ़ा के ऊपर कभी कवर का डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सोफ़ा के ऊपर ऐसे घुमा दिया तो सारी चीज़ें निकल जाती है इससे, और कारपेट के ऊपर की भी सारी चीज़ें निकल जाती है। और हाँ, हम लोग ना रात को वगैरह ये जो सेंटर टेबल है उठा के रखते हैं साइड में, क्योंकि अद्विक वगैरह खेलता है ना, तो इसी वजह से उसे लगने का डर रहता है, तो इसीलिए हम लोग उठा के साइड में रख देते हैं, और सुबह फिर क्लीनिंग हो जाने के बाद फिर सेंटर में रख देते हैं, तो इसीलिए ऐसे ही करते हैं। और बस यहाँ पर कारपेट क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से, क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर से। और वैक्यूम क्लीनर जब से आया है ये वाला, तो
तब से बहुत ज़्यादा काम इजी हो गया है। वो वाला तो था ही मेरे पास पहले, आप लोगों को तो पता ही है, बट वो उठा के इधर उधर मतलब रखना पड़ता था और फिर वो उसके वायर वगैरह, तो उसका थोड़ा सा झंझट होता था, बट वो भी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो भी बुरा है, बट उससे ज़्यादा मुझे अभी हैंडी ये लग रहा है, क्योंकि ना इससे बहुत इजी जा रहा है, मतलब इधर उधर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कुछ नहीं। सिर्फ इसका क्या है कि बैटरी चार्जिंग के लिए लगानी पड़ती है और बस बैटरी पे चलता है, तो इसी वजह से वायरलेस है ना, इसी वजह से बैटरी पे चलता है, और बैटरी चार्जिंग के लिए लगानी पड़ती है रात को, फिर सुबह आप इसे यूज़ कर सकते हो और आराम से 1 घंटे से ऊपर इसकी बैटरी चल जाती है। अगर आप 1 घंटा भी लगता है ना आपको घर में क्लीनिंग करने के लिए, तो भी ये आराम से काम करेगा। मैं तो 1 दिन बैटरी चार्ज करती हूँ और 2 दिन चल जाती है मुझे, और इसी वजह से इतना ज़्यादा इजी हो गया है इससे काम करना, और बहुत जल्दी क्लीन करता है, सारा कुछ क्लीन कर लेता है। बस इसी तरह से मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ सुबह की। क्लीनिंग तो आपको पता ही है, मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आपको तो पता ही है मैं सुबह की क्लीनिंग कैसे करती हूँ और क्या क्या करती हूँ क्लीनिंग में। बस यहाँ पर मैं अपनी क्लीन कर लेती हूँ, फर्स्ट क्लीन कर लेती हूँ, जो क्या बोलते हैं झाड़ू के बदले मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करती हूँ, और उसके बाद मैं मॉपिंग कर लेती हूँ। बस इसी तरह से होती है मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग। और यहाँ पर बच्चे उठ गए थे तो बेड भी ठीक करना था, तो बेड मैंने ठीक कर लिया है, और यहाँ पर जो ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे तो उसको फोल्ड करके रख दूँगी, तो यही लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ। इधर उधर पड़े रहते हैं, ये भी टी शर्ट वगैरह निकालते हैं तो वो भी पड़े रहते हैं, तो उसके फोल्ड कर देती हूँ, और जो जहाँ पर है चीज़ें वो वहाँ पर रख देती हूँ। इनके फोल्ड अभी इनके जो टी शर्ट है उनके कबर्ड में रख दूँगी, और उसके बाद ब्लैंकेट अपनी जगह पर रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मॉर्निंग क्लीनिंग में आती है, तो यही होता है सुबह सुबह। और हाँ, आपके लिए वैक्यूम क्लीनर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने कपड़े धोने के लिए, कपड़े भी डाल दिए हैं मैंने मशीन में, बस इसे धुल लूँगी और उसके बाद अपने काम करने के लिए लग जाऊँगी दूसरे। और इसके बाद लंच भी बनाना है मुझे, और ये सारे काम हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ी देर बैठने के लिए टाइम मिल जाता है। फिर ये आ जाते हैं ड्यूटी से, तो फिर उसके बाद हम लोग लंच करते हैं, तो यही होता है डेली सुबह का रूटीन। और यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। आप लोग बोल रहे थे ना कि डेली बारिश हो रही है क्या वहाँ पर, तो हाँ डियर, यहाँ पर डेली बारिश हो रही है। मतलब मौसम कैसा हो जाता है कि सुबह ना एकदम सुबह धूप आती है, काफ़ी अच्छी सी तेज़ धूप आती है, और दोपहर में एकदम से बारिश आना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे ही डेली हो रहा है। और मैं तो वेट ही करती रहती हूँ कि बारिश कब आएगी, और थोड़ा सा भी मौसम थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि धूप चली जाती है और बारिश जैसा मौसम हो जाता है, तो मैं वेट करती हूँ कि यार जल्दी बारिश आनी चाहिए। तो बस यहाँ पर बारिश हो गई थी, थोड़ी देर ही रहेगी और उसके बाद चली जाएगी बारिश जल्दी से। और उसके बाद फिर मैं अभी मेरे कपड़े भी मैंने डाल दिए थे, तो अभी बारिश चली गई थी, थोड़ी देर रुकी बारिश और उसके बाद चली जाती है, तो ज़्यादा देर नहीं रहती है, बट आती है, डेली बारिश होती है। तो यहाँ पर बस कपड़े धुल गए हैं मेरे, ड्रायर में निकाल लूँगी और उसके बाद सुखाने के लिए डाल दूँगी। बारिश हो गई थी तो उसके बाद का मौसम तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बस कपड़े भी नहीं सूखेंगे, अब तो थोड़ी देर रहता है फिर बाद में, और फिर हवा वगैरह चलती है तो सब कपड़े सूख जाते हैं, इतना कुछ नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा सा वो होता है ना कि धूप में जो कपड़े सूखते हैं ना, तो वैसे सूखते नहीं इतने अच्छे से कपड़े। तो सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप आती है, तो मैं इसके बाद ना मैं सोच रही हूँ कि अभी डेली ही बारिश हो रही है तो सुबह ही कपड़े धोया करूँगी, बट सुबह ना इतनी जल्दी कपड़े नहीं निकलते हैं, मतलब ये इनके ही रहते हैं सिर्फ कपड़े, क्योंकि ये सुबह ड्यूटी जल्दी जाते हैं तो इसी वजह से इनका नहाना होता है। बट मैं वर्कआउट करती हूँ ना, तो वर्कआउट के बाद फिर मैं नहाती हूँ, तो उसके बाद का फिर थोड़ा सा लेट ही हो जाता है वर्कआउट के बाद नहाना, और उसके बाद फिर बच्चे नहाते हैं, तो थोड़ा कपड़े धोने में लेट ही हो जाता है मुझे, तो इसीलिए फिर कपड़े लेट धोती हूँ, और उसके बाद फिर बारिश वगैरह आ जाती है तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मौसम कैसा हो रखा है, तो कपड़े बाहर डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हवा लगेगी अच्छे से, और बस कपड़े इतने अच्छे से नहीं सूखेंगे, जो धूप में सूखते हैं तो वो तो वैसे नहीं सूखने वाले, बट रात भर रखना पड़ेगा वरना मुझे ऐसे ही इसे। और आप लोग बताइए, आप लोगों का कैसा चल रहा है लॉकडाउन में, आप लोग बाहर जा रहे हो कि नहीं, और क्या क्या चीज़ें कर रहे हो? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा रही हूँ यार, आप लोग तो देख रहे हो, मैं तो डीमार्ट गई थी बस लास्ट टाइम, डीमार्ट में भी आने के बाद थोड़ा सा धूप वगैरह लग गई थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद तो मैंने इनको बोला कि नहीं यार मैं नहीं आऊँगी, इसके बाद तो मुझे बोलना भी मत आप बाहर आने के लिए, तो उसके बाद तो गई ही नहीं। और ग्रॉसरी वैसे तो बहुत सारी लाई थी, तो आप लोगों ने देख ली है, काफ़ी सारी ग्रॉसरी लाई थी, तो जाने का काम ही नहीं है अभी,
और छोटी मोटी बीच में अगर चाहिए होती है तो वो इनको बोल देती हूँ मैं लाने के लिए, तो ये ला देते हैं, तो मुझे जाने का काम ही नहीं पड़ता है। और वैसे कुछ बाकी की चीज़ें कुछ ला नहीं रहे हैं, तो जाने का काम ही नहीं पड़ रहा है। और जो शॉपिंग हो रही है वो मेरी ऑनलाइन ही हो रही है, तो वो भी उसका भी काम नहीं पड़ता है मुझे। तो बस यही होता है मेरा। और आपका क्या चल रहा है? और आप बाहर जा रहे हो कि नहीं? आपकी सिटी में क्या चल रहा है? लॉकडाउन वैसा ही है या और कुछ चेंजेस हुए हैं? तो ये ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे सिटी में तो बस वही है, उल्टा पेशेंट बढ़ रहा है यार। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर जाने के लिए लोग तरस रहे थे, थोड़ा सा भी फ्री छोड़ दिया ना तो लोग ऐसे बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं कि यार कोरोना है या कुछ है। मतलब डर तो निकल ही गया है लोगों के मन से, बट फिर भी हम लोग नहीं निकल रहे यार। हम लोगों को तो मतलब मेरा तो वैसा ही है अभी भी जैसे पहले था, वही प्रिकॉशंस ले हम लोग से पहले करते हैं। और बस थोड़ा सा वो हो गया कि यार मैं वॉकिंग के लिए जाने लगी हूँ, नहीं तो मैं तो गेट के बाहर भी नहीं निकलती थी। अब ऑप्शन नहीं रहा है, इसी वजह से वॉक के लिए जाना पड़ रहा है। तो कितने दिन और घर पे रहे? और वॉक के लिए मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ मैं, जो मेन रोड है यहाँ पर ये पास में, तो मेन रोड पे ही वॉक करती हूँ। मैं मार्केट वार्केट नहीं जाती हूँ, मतलब जहाँ पर भीड़ वाली जगह है वहाँ पर नहीं जाती हूँ। तो यही थोड़ा सा लेना पड़ता है प्रिकॉशन। एक तो इनकी ड्यूटी ऐसी है कि इनको बाहर जाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बाकी के लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट इन्हें तो पूरे लॉकडाउन में इनको ड्यूटी जाना ही पड़ा। संडे को भी इन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो ऐसे ही चल रहा है इनकी ड्यूटी डेली ही है। ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि यार एक दिन इनको मिलेगा। मतलब सुबह का कुछ प्लान ही नहीं कर सकते, अगर कुछ जाना भी हो ना कहीं बाहर तो शाम का प्लान कर सकते हैं, और शाम को तो कुछ ओपन रहता नहीं है इतना, तो इसी वजह से हमें बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है दोनों को साथ में कहीं। तो बस यही चल रहा है यहाँ पे। और चलिए फिर यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल सिंपल वाली। मैंने मूंग की दाल ली है, थोड़ी सी थोड़ी सी अरहर की दाल ली है, दोनों दालों को मिक्स करके डाल दिया है धो के, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है और हल्दी और थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऑयल डाल दिया है। तो बस इसे लगा दूंगी, सीटी ले लूँगी 3-4, और उसके बाद हमारी दाल बन जाएगी। और आज ना वो पत्ते वाली सब्जी बनाई थी, वो ग्रीन पत्ते नहीं होते हैं, चौड़ी की सब्जी बोलते हैं हमारे साइड में, वो बनाई थी तो वो शूट नहीं कर पाई मैं, तो इसीलिए वो तो अभी नहीं दिखा पाऊँगी। बस सिंपल सी दाल चावल रोटी सब्जी वही थी लंच में, तो बस लंच हो गया था यहाँ पे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मूंग भिगोने के लिए, तो कभी मूंग डाल देती हूँ भिगोने के लिए, कभी मटकी डाल देती हूँ, इसे अंकुरित करती हूँ, ये मिक्स डाल देती हूँ। तो आपको तो पता ही है मिक्स में मैं क्या क्या डालती हूँ, तो उसमें मैं सेम क्वांटिटी में मूंग मटकी बरबटी और काला चना ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। तो ये अगर जब भी भिगोना हुआ तो फिर वो निकालती हूँ और थोड़ा सा डाल देती हूँ भिगोने के लिए, तो ये वो ईजी जाता है। तो इसी वजह से मैं कंटेनर में ऐसे ही सारी चीज़ें भर के रख देती हूँ। यहाँ पर अद्विक कॉमेडी वीडियोस देख रहा था, और उसे ना कॉमेडी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ना छोटे कॉमेडी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है। कौन कौन देखता है छोटे दादा की कॉमेडी वीडियोस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, कार्टून से ज़्यादा कॉमेडी वीडियोस उसे पसंद है, वो भी छोटे दादा वाले। वो डेली कार्टून से ज़्यादा वो देखता है, मतलब वो कॉमेडी वीडियो देखता है। यहाँ पर हमारी शाम की चाय बन रही थी, और बस ये चाय बॉईल हो जाएंगे, हम लोग चाय पी लेंगे और उसके बाद मैं सब्जी वॉश करूँगी। तो सब्जी लाई थी इन्होंने, तो वो मैंने भिगोने के लिए रख दी थी। मतलब आप लोगों को पता ही है मैं कैसे वॉश करती हूँ, थोड़ा सा पानी लेती हूँ, उसमें मैं वो डालती हूँ सोडा हल्दी और नमक डालती हूँ, उसमें पहले भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद उसे 2-3 पानी से वॉश करके ऐसे रख देती हूँ सुखाने के लिए। कोरोना की वजह से तो ये एक काम सभी का बढ़ ही गया है, चाहे कितनी भी परेशानी हो करना तो पड़ेगा ही। और बस यही करती हूँ, सब्जियाँ लाते हैं तो वॉश करके रख देती हूँ, सुखाती हूँ, उसके बाद फिर फ्रिज में रखती हूँ। और हाँ, मैं इस ब्लॉग को एंड करना ही भूल गई थी आज, पता नहीं कैसे भूल गई। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।